हेलो स्टूडेंट, जिन्होंने भी IIT JEE में फिजिक्स 2024 का पेपर दिया था, उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, कितने नंबर पे IIT मिलेगी। और लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज भी किया था कि सर, लास्ट ईयर का आप कंपैरिजन करो, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ से 2 नंबर पीछे रहेगी कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ मतलब IIT मिलेगी। मैं कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं IIT मिलने के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि IIT कितने मार्क्स पे मिल जाएगी। मैंने मेरे ही स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है, मैं किसी और स्टूडेंट का कभी एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ। तो उसके बेसिस पे आपको सब पता चल जाएगा कि IIT JEE 2024 में आपके साथ में क्या होने वाला है, 2024 तक के अंदर क्या होने वाला है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपना प्रडिक्शन लगा लेना। क्योंकि मैं क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक के ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट से कंपेयर करवा देता हूँ, उससे अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। जनरल, OBC और SC ST EWS चारों का बहुत अच्छे अच्छे कम मार्क्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे IIT मिली थी लास्ट ईयर। तो देखिए, सबसे पहले अपन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप IIT में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने जनरल लिया है बच्चों। जनरल के अंदर हमारे पास में एक लड़का था सत्यजीत, जो कि फिलहाल अभी IIT धनबाद में है। उसके मार्क्स लास्ट ईयर आए थे 2023 के अंदर 33.33 मार्क्स। ठीक है, और ये जनरल में आता था, तो जनरल के अंदर 712 रैंक के ऊपर बढ़िया IIT मिल रही है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब की बार IIT में कम कंपटीशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 712 से भी ऊपर जाएगी। और अभी तो हम IIT धनबाद की बात कर रहे हैं, IIT धनबाद से भी बहुत नीचे है IIT। ठीक है, भिलाई वगैरह वगैरह समथिंग कुछ ऐसे, तो 712 रैंक तक इसको IIT मिला था। और ये लेकिन फिजिक्स नहीं है, जियो फिजिक्स में है। जियो फिजिक्स इसको IIT धनबाद मिला है और 712 रैंक के ऊपर। ये देखिए, ये सौरभ शर्मा है, ठीक है, 462 रैंक और 38.33। ये EWS में आता था, ठीक है, तो EWS के अंदर 462 रैंक के अंदर 38.33 IIT गुवाहाटी मिला है। और ये लास्ट से तक इसने अपग्रेड किया है तब जाके मिला है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पहले राउंड के अंदर ही IIT ऐसी मिल गई थी, ऐसा नहीं है, लास्ट के अंदर मिला है। अपग्रेड होती गई, अपग्रेड होती गई। पहले IIT बनारस मिला था, फिर IIT गांधीनगर मिला था, उसके बाद में IIT गुवाहाटी मिला सौरभ शर्मा को 462 रैंक के ऊपर। तो इसलिए घबराए नहीं। तो ये देखिए 38.33 मार्क्स। यहाँ देखिए प्रवीण शर्मा, जनरल में आता है लड़का, और 595 रैंक, 595 रैंक, 34 मार्क्स, 34 मार्क्स के ऊपर IIT भुवनेश्वर मिला है। अब यहाँ पर देखिए, एक है ना, आप है ना, छोटी छोटी जो गलतियां करते हो, एक एक दो दो नंबर की जो गलतियां करते हैं ना, वो सीधा क्लियर दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए बच्चों, नंबर नंबर देखिए 33.33 और 34 रैंक, इसका मतलब 0.75 मार्क्स। और रैंक देखिए आप, 200 रैंक का फर्क पड़ गया है यहाँ पर। ठीक है, कितनी रैंक का फर्क पड़ गया है, लगभग 120 130 रैंक का फर्क पड़ गया है यहाँ पर। अरे पड़ गया ना, ठीक है, तो 120 रैंक का फर्क पड़ गया है, ये होता है। और सिर्फ एक नंबर तो हुआ ही नहीं है अभी तक, एक नंबर होते ही 200 पे चला जाता। तो ये लास्ट ईयर का कंपैरिजन है जनरल का, तो आप डिसाइड कर लीजिए। और मैंने बताया था कि आपको लगभग 32 मार्क्स बताया था, मैंने मैंने ऐसे बताया था कल, आप देख लीजिए मेरा वीडियो खोल के। जनरल के अंदर जिसके 32 से अबव मार्क्स हैं, उनको IIT मिल जाएगी इस बार। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, लास्ट ईयर मिली थी 33.33, और ये तो बीच की IIT है। ठीक है, इसका मतलब 31 और 32 तक आया था मामला। क्लोजिंग रैंक देख लीजिए आप किसी भी IIT जनरल की, समझ में आया। एक ये मेरा पहला कंपैरिजन था। अब यहां पर देखिए दूसरा कंपैरिजन, OBC देखिए, 32 मार्क्स मैंने कल बताया था। ठीक है, और यहाँ लास्ट ईयर का कंपैरिजन है ये। अब देखिए ये वाला OBC का मामला, मैंने कल OBC लगभग कितना बताया था, 25 मार्क्स बताया था, 25 बताया था ना, 25 मार्क्स बताया था बच्चों मैंने। 2024 के अंदर 25 मार्क्स से ऊपर जिनके भी हैं, और लास्ट तक जो पेशेंस रखेगा उनको IIT मिल जाएगा। लास्ट तक आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले
शिवम के ये ओबीसी में आता था, शिवम सर 55.67 रैंक, एयर 43, आईआईटी बॉम्बे है ये। एक अब देख लीजिए यहाँ पर धर्मिष्ठा, ये देखिए 30, देखो मार्क्स का अंतर देखिए 38.33 मार्क्स, एयर देखो 399। ठीक है, आईआईटी कानपुर ड्यूअल पीएचडी अभी फिलहाल है ये। सविता बिरदा 30 मार्क्स, एयर 107, इसका मतलब 1047 तक पहुंच गए यहाँ पर, 1047 तक आईआईटी धनबाद। ये सब फिजिक्स में है, ये सब फिजिक्स में है, ये मतलब आईआईटी फिजिक्स में है ये। ठीक है, कोई जियो फिजिक्स वगैरह वगैरह में नहीं है। ठीक है, तो सविता बिरदा 30, 1047 रैंक आईआईटी धनबाद। स्वरूप कान 30, देखिए 30-30 में अंतर देखिए, एक सेम रैंक के ऊपर भी अंतर है, 1017 और 1047, यहाँ 50 का फर्क पड़ गया है, पड़ गया ना। ठीक है, सॉरी 30 का फर्क पड़ गया है। तो आईटी धनबाद हरीश 27.33-33, 1358 रैंक। ठीक है, देखो रैंक का अंतर देखो, 3 मार्क्स के ऊपर कहाँ चला गया, 300 के पार चला गया है। आईटी तिरुपति में है ये, कंचन 27 नंबर के ऊपर 1391, आईटी तिरुपति के ऊपर है। धीरज यादव 29.33 मार्क्स, 1116 रैंक थी, आईटी तिरुपति है ये। दिनेश सैनी 28.33, 1223 रैंक, आईटी भिलाई में था, फिर इसने आईटी छोड़ दिया था, ये कोई एनआईटी में चला गया था, जाना नहीं चाहिए था, वो एक अलग था। ठीक है, ये मामला ओबीसी का है, और मैंने बच्चों 25 बताया है, तो ये 27 पॉइंट समथिंग तक आ गया है मामला। इसका मतलब ये है कि मैंने ये बताया है लगभग 25 से ऊपर 2024 के अंदर जिसके भी नंबर आ रहे हैं, वो शांति से चारों लिस्ट का वेट कीजिए, आईटी मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको, अपग्रेड करते जाइए, आईटी मिलेगा जरूर। अबे ये तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 20 के अंदर आप कहीं और भाग जाओ, ठीक है, कोई एनआईटी में भाग जाओ या कोई और कोई में भाग जाओ, वो तो उसकी तो कोई मेरी गारंटी है नहीं, लेकिन मिल जाएगा आईटी, ये पक्का है। तो ये देखो मैंने कंपेरिजन कर दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अब की बार जिसके लगभग 50 या 55 के करीब नंबर आ रहे हैं, 50 के करीब नंबर आ रहे हैं, वो अंडर 50 है, ये पक्का है। इस बार जिसके अंडर 50 आ जाएंगे, सॉरी 50 या 60 के बीच में अगर नंबर आ जाएंगे, तो उसका भी लगभग यही रहेगा रैंक, समझ गए मेरी बात को। तो एक ये वाला मामला है। एससी वाले बच्चे देखिए, एससी वाले बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं, देखिए एससी वाले, जिस बच्चे के, ये पंकज कुमार है, तो पंकज कुमार के 38.33 नंबर थे, अगर जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, सपोज करो 400 रैंक है, आईआईटी बॉम्बे मिला है, ये देवनोगिया है, इसके मार्क्स तो मुझे नहीं पता, 815 रैंक के करीब था इसका, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे मिला है इसको भी। और ये देखिए मोहित 3215 रैंक, ये है इंपोर्टेंट रैंक, तो 3215 रैंक, फोर्थ राउंड में इसको आईआईटी मिला, ठीक है, फोर्थ राउंड में इसको आईआईटी मिला, ठीक है, आईआईटी तिरुपति 19.66 के ऊपर लास्ट ईयर आपको आईआईटी मिला है एससी के अंदर, और मैंने बताया था 17 से 19, मैंने क्या बताया था, 17 से 19 मार्क्स के बीच में आईआईटी मिलेगी, पहली लिस्ट की बात नहीं कर रहा, चौथी लिस्ट, तीसरी लिस्ट और फोर्थ राउंड की बात कर रहा हूं मैं, वहां तक जाओगे तो मिल जाएगी आईटी 17 से 19, मजे करो। ठीक है, तो ये आपका दीपक कुमार, ये देखिए 2166 रैंक, ठीक है, और 23.33 मार्क्स, और आईआईटी गांधीनगर, ठीक है, अगर 20 से ऊपर नंबर ले आए तो बढ़िया आईआईटी में पहुंच जाओगे, एससी के अंदर 20 से ऊपर मार्क्स, तो बहुत सिंपल सा मामला ही चल रहा है। ठीक है, एसटी में देखिए बच्चों, एसटी में अनिल नाम करके हमारा एक बच्चा था, जिसके 6105 थी रैंक, अब की बार देखो, अब इससे भी कोई नीचे रैंक हो सकती है क्या, ठीक है, 6105 रैंक और 11 मार्क्स ओनली, मैंने बताया था 13 से 15, मैंने बताया था एसटी के अंदर अगर जो बच्चा 13 से लेकर 15 के बीच में मार्क्स लाएगा 2024 के अंदर, उसको बढ़िया आईआईटी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आईआईटी जोधपुर, इसको आईआईटी जोधपुर मिला था, उसने लिया नहीं लिया वो उसका ओपिनियन था, ठीक है, बाकी इस तरीके से अपना कंपैरिजन था, तो बच्चों कंपेयर कर लीजिए एक बार, ठीक है, बढ़िया, देखो इसके अंदर बढ़िया रैंक वाले भी हैं, लोअर रैंक वाले भी हैं, और जिनको आईटी फिलहाल ये बच्चे सभी आईटी के अंदर हैं,
और मैंने मेरी ही कोचिंग के बच्चों के एग्जाम्पल लिए, मैं किसी और के एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ कभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे वाले तो झूठ बोलने से रहे मेरे से, समझ में आ गया। तो ये फिक्स है, आप इनको मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर दीजिए और बता दी, पूछ लीजिए भाई यही आईटी है क्या आप, तो यही आईटी में मिल जाएंगे आपको। ये लास्ट ईयर हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट यही हुए थे। ठीक है, और इस बार भी देखना, अब की बार जो भी बच्चे होपलेस है और कोई क्या नाम है टेंशन में है, तो मेरे साथ से इस वीडियो में टेंशन दूर हो जाएगी। और कई लोग बावड़े बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा, पता कुछ है नहीं, समझ गए मेरी बात को। थैंक यू। और जेस की बात अपने जेस का आने दो, जेस की तैयारी कीजिए, उसके बाद करेंगे। जेस में कितनी रैंक रहती है, क्या रहती है, अभी आईआईटी का क्लियर कर दिया है मैंने डेटा, फिजिक्स का है ये, ठीक है। और नीचे अगर आप भरते हो तो आईआईटी अच्छी अच्छी मिल जाती है, कट ऑफ के ऊपर भी आईआईटी मिल जाती है, अगर जियो फिजिक्स लेते हो, मेडिकल वाला लेते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिफरेंस भरते हो तो मिल जाती है बस।